पता नहीं मेरा पासपोर्ट का वो स्कैन नहीं हो रहा था और खाली हाथ जाएंगे। सही है, गले में इलायची का माला डाला हुआ है। तो सुबह सुबह मेरी मम्मी यहाँ पे होटल के बालकनी में कबूतर को दाना डाल रही थी एंड वी आर मूविंग आउट ऑफ द रूम। हर हर शंभु का नाम लेके आज हम निकल जा रहे हैं काठमांडू से। क्या आपने देखा है शिव जी के गले में इलायची का माला डाला हुआ है, ये एकदम अद्भुत। नेपाल के बारे में क्या बोलूँ भाई, यहाँ का लोग तो बहुत मीठे हैं और एकदम सीधा बात करते हैं, एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट धाक करके। और मुझे एक्चुअली मुझे काठमांडू से पोखरा ज़्यादा अच्छा लगा। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय व्लॉग्स द क्रेजी व्लॉग। है दुनिया गोल है, ज़िंदगी भी गोल है, कब कहाँ चले जाए कोई पता नहीं। तो काठमांडू आज हमारा लास्ट दिन है, हम निकल जा रहे हैं हमारा फ्लाइट। तो पहले था आपका 12:30 बजे मगर वो डिले हो गया एयर इंडिया का ट्रेन की तरह। टोटल गाड़ी पैक्ड एंड फुल। আমি আসছি এক্ষুনি। উইদাউট সুগার ও হয় আমারা A248 কলকাতা বি চেক ইন। তো অ্যাকর্ডিং টু হিন্দু মাইথোলজি মি বলকে এক ঠো মুনি থে সন্ন্যাসী জি, তো উনকো নেপাল মে মি মুনি মতলব এন নেপাল কা এন ই नी मुनि बोल के कहा जाता था। और पशुपति पुराण के अनुसार नी मुनि का नाम ही बाद में नेपाल हो गया। तो हम लोग का चेक इन हो गया है ऑलरेडी और अभी हम लोग का कॉफ़ी पार्टी चल रहा है छोटा सा। नाउ अभी जगह है इमिग्रेशन करने के लिए, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द इमिग्रेशन काउंटर। पहली बार इमिग्रेशन इंटरनेशनल साइड में, कैसा एक्सपीरियंस होता है मैं निकल के आपको बताता हूँ। भाई साहब इमिग्रेशन के चक्कर में अभी फ्लाइट मिस होने वाला था, बाप रे बाप, बाल बाल बचे इस बार। तो कुछ ऐसा हुआ, मेरा पासपोर्ट बना रहा था 2012 में और अभी डल चल रहा है 2022। तो इमिग्रेशन के जगह पे पता नहीं मेरा पासपोर्ट का वो स्कैन नहीं हो रहा था। मैंने पहले आधार कार्ड दिखाया तो बोला नहीं चला, मेरे पास वोटर कार्ड भी नहीं था। तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया तो उन लोगों ने ठीक है चलो छोड़ दिया उसको। मगर पासपोर्ट ऑफिस में फिर से जाकर मुझे ये ठीक करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 2024 में मेरा न्यू है। मगर ऐसा क्यों हुआ, ये तो होना नहीं चाहिए, मगर अरे तो क्या करें, चलो हो गया। खुशी खुशी घर जा रहे हैं और ये एक बहुत ड्रामेटिक एक्सपीरियंस। बहुत मशक्कत करने के बाद घर जा रहे हैं 10 दिन का जर्नी ख़त्म करके। बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था मेरा नेपाल। यही है हम लोग का लाइन, जेंट्स का अलग लाइन है और लेडीज़ का अलग लाइन है यहाँ पे। फाइनली आई एम गोइंग बैक टू माई होम टाउन कोलकाता। और ये देखिए कितना ज़्यादा लीग स्पेस है एयरबस 320 एयर इंडिया में आराम से। और 1 घंटा 15 मिनट में मैं I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get it.
थैंक यू। तो फाइनली लैंडेड इन कोलकाता और खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। गर्मी में सब कुछ उतारने को मन कर रहा है। ओके गर्म है ना। फिर से मिलते हैं एक और ट्रिप पे। साइनिंग आउट दिस बाब व्लॉग्स द क्रेजी ब्लॉगर। कीप ग्राइंडिंग एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल डू सब्सक्राइब। साइनिंग आउट दिस बाब व्लॉग्स द क्रेजी ब्लॉगर।